वाला एक मछुआ एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जाल को समुद्र में डाला और इंतजार किया। थोड़ी देर में जब जाल भारी लगने लगा, मछुए ने तब जाल को बाहर निकाला। जाल में एक दो मछलियों के साथ साथ एक शीशा भी अटका था। मछुआ शीशे को देखकर आश्चर्य हो गया और शीशे के ढक्कन को खोला। खोलते ही फुश से कुछ काला धुआं जैसे बाहर निकला। वो काला धुआं एक बड़ा सा बादल बना और उसमें से एक भूत निकल आया। मछुआ भूत को देखकर बहुत डर गया। भूत भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कई साल पहले मैं बहुत शक्तिशाली था। लोग मुझसे बहुत डरते थे, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस शीशे के अंदर फंसाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। बहुत सालों तक मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बाहर निकल गया। मछुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परंतु मानव, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मछुआ भयभीत हो गया। तब उसको अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। फिर उसने बोला, प्रेतात्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान लेने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, जल्दी बताओ। मछुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो, मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने छोटे से शीशे में कैसे घुस गए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकिन कैसे है? भूत बहुत सालों बाद बाहर निकलने की खुशी में अपनी बुद्धि खो बैठा और मछुए को उसके सवाल का जवाब देना चाहा। तुम मूर्ख मनुष्य के ऐसे ही सवाल होते हैं, हा हा हा। अब तुम देखो, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद इस शीशे में कैसे घुस सकता हूँ। ऐसा बोलकर भूत अपने रूप को छोटा किया और शीशे के अंदर घुस गया। मछुआ फटाफट ढक्कन को शीशे के ऊपर कस कर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। परेशान लोमड़ी। एक गांव में एक कौवा रहता था। एक दिन उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला। कौवा टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर एक पेड़ के ऊपर जा बैठा। कौवा रोटी का टुकड़ा खाने ही वाला था, जब वहां पर पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आई। लोमड़ी बहुत भूखी थी। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ये देखकर लोमड़ी को पिछली बार की एक ऐसी ही घटना याद आई, जब एक कौवा अपने मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ कर रखा था और लोमड़ी ने उसको बोला, कौवा कौवा, एक गाना गाओ ना। बिना कुछ सोचे समझे वो कौवा गाने लगा और मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी उसको उठाई और भाग गई। ये घटने को याद करके लोमड़ी सोची कि इस बार भी यही करके रोटी का टुकड़ा उठा ले जाऊं। लोमड़ी कौवे की ओर देखी और झूठी तारीफ करने लगी। ओ कौवा, तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर होगी, ऐसा मैंने सुना है, क्या ये सही है? ऐसा लोमड़ी बहुत मासूम तरीके से पूछी। कौवा लोमड़ी को जवाब नहीं दे पाया। अब कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है ना। लोमड़ी मन ही मन में खुश होने लगी कि शायद कौवा उसकी चाल में फंसने वाला था। ओ कौवे, मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ ना, मैं सुनकर अपने मन को खुश कर लूं। ऐसा लोमड़ी ने कौवे से विनती की। लोमड़ी इंतजार कर रही थी कि हाँ, अब तो किसी भी वक्त कौवा रोटी नीचे गिराएगा और मैं उसे उठा ले जाऊं। लेकिन कौवा तो चालाक निकला।
उसने रोटी के टुकड़े को अपने पंजे में कस के पकड़ा और बोला, ओ लोमड़ी, तुम्हें मेरा गाना सुनने की बहुत इच्छा है ना, तो सुनो। ऐसा बोलकर कौवा का का करके चीखने लगा। लोमड़ी सोचने लगी कि हाय, ये कौवा तो बड़ा चालाक निकला। लोमड़ी बहुत निराश होकर वहां से चली गई। परेशान लोमड़ी को वहां से जाते हुए देखकर कौवा जोर से हंसने लगा। दफा हो जाओ यहां से शातिर लोमड़ी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी चाल समझ नहीं पाया। लोमड़ी की चाल में फंसे कौवे की कहानी मुझे भी पता है। अंत में कौवा पेट भरकर रोटी के टुकड़े को खा गया और खुशी खुशी उड़ गया।